लूक 22:63-71 तक। जो मनुष्य यीशु के पकड़े हुए थे वह उन्हें डंडों से उठाकर पीटने लगे और उसकी आंखों डाककर उससे पूछा, भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा। और उन्होंने बहुत से और भी निंदा की बातें उसके विरोध में कही। जब दिन हुआ तो लोगों के पूर्णिय और प्रधान याजक और शास्त्री इकट्ठे हुए और उसे अपने महासभा में लाकर पूछा, यदि तू मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, यदि मैं तुमसे कहूं तो प्रतिदिन न करोगे और यदि पूछूं तो उत्तर न देंगे, परंतु अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दाहिनी और बैठा रहेगा। इस पर सांप ने कहा, तो क्या तुम परमेश्वर का पुत्र है? उसने उनसे कहा, तुम आप ही कहते हो क्योंकि मैं हूँ। तब उन्होंने कहा, अब हमें गवाही की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हमने आप ही उसके मुंह से सुन लिया है। प्रभु यीशु का नाम से और एक बार प्रभु के सम्मुख में आने के लिए प्रभु ने मौका दिया, इसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर भला है, परमेश्वर पिछले सालों में हमारे जीवन में अच्छा काम किया है, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु अपने अपने निर्णय के अनुसार, अपने योजना के अनुसार हमको भी उसका राज्य में हो, नहीं तो उसका कुटुंब में हमको भी प्रभु परमेश्वर सुविधा किया है, इसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये जगह पे हम एक चीजों को हम देख सकते हैं, वचन 17 को इस बार सबने कहा, क्या तुम परमेश्वर का पुत्र है? उसने उनसे कहा, तुम आप ही कहते हो क्योंकि मैं हूँ। एक ही सवाल जो है एक था प्रभु परमेश्वर के बारे में, तुम परमेश्वर का पुत्र है, एक क्वेश्चन था। जब यीशु मसीह जब सेवा किया है, दुनिया में आया, यीशु मसीह आने से पहला वो जूना करार पुराना नियम ऐसा बोलते हैं, फिर यीशु मसीह आके जो कुछ किया है उसके बाद जो कुछ भी है उसको नया नियम बोलते हैं। कभी भी इतिहास में एक नया काम होगा, नहीं तो नया चीज होगा, नहीं तो एक रेवलेशन होगा, एक प्रकटीकरण होगा, तभी लोग उसको विरोध करेंगे। ये तो नॉर्मल की बात है, हमेशा परमेश्वर समय समय में अलग 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 प्रकार जो है परमेश्वर अपने अपने बारे में कलीसिया के बारे में कुछ भी है, नया टीचिंग उपदेश सारे बातों को नया नया परमेश्वर जो है प्रकट करते हैं। परमेश्वर एक साथ एक ही जगह पे सारे बातों को जो है डालता नहीं है, परमेश्वर समय समय पर समय के अनुसार धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर सारे बातों प्रकट करते हैं। हम हमारा लाइफ को आप देखिए, जब आप उद्धार पाके यीशु मसीह के पास आया तभी आपको यीशु मसीह के बारे में थोड़ा अलग प्रकार जो है विचारता होगा, फिर एक साल के बाद बदल गया, एक साल के बाद और भी बदल गया, एक साल के बाद और बदल गया, एक साल के बाद और बदल गया। बाइबल पढ़ने का तरीका में भी आप देखिए, जब आप नया नया था शुरुआत में आप बाइबल पढ़ता था आपको तो कुछ भी समझ में नहीं आता था, जब ऐसा कुछ स्टोरीज कुछ भी आता था तभी जो है कुछ अच्छा लगता था, फिर बाकी तो बहुत सारा चीज समझ में नहीं आता था, ये क्या चीज है, क्या लिखा है। बहुत समय जो है बाइबल पढ़ने के समय में नींद भी आ जाता था, बाइबल के साथ ही हम सो भी जाता था कभी कभी। हाँ ऐसा सोचता था हम भी हैं, मुझे भी बाइबल पढ़ने के समय में क्यों इतना नींद आता है, ऐसा सोचता था, ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आता था, क्यों हम काली बिली बाइबल को हम पढ़ते हैं, ऐसा एक समय था। कुछ नाम जो है उसको पढ़ते पढ़ते हमको परेशान हो जाता था, उसका नाम पढ़ने में इतना तकलीफ था, वो भी था एक समय ऐसा था। लेकिन जैसा दिन बीत गया, जैसा दिन चला गया, समय जैसा जाते रह गया, परमेश्वर थोड़ा 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 हमको परमेश्वर सिखाया, कुछ प्रकाशित परमेश्वर किया, हमारा मन को थोड़ा प्रकाशित किया है, कुछ रेवलेशन कुछ प्रकटीकरण हमको मिला है, इसलिए उसके बाद हम कुछ अलग प्रकार बन गया, फिर उसके बाद और थोड़ा ज्यादा समझने लगा, उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा समझने लगा। जब यीशु मसीह, इसलिए हमेशा इतिहास में एक चीज होता है, किसी को परमेश्वर एक न्यू रेवलेशन परमेश्वर देता है उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खास करके ये न्यू रेवलेशन एकदम जवान लोग जो है
पा लेते हैं, नहीं तो जो परमेश्वर के लिए बहुत परमेश्वर के पास ऐसा पढ़ा रहते हैं कुछ भी है, ऐसा ऐसा लोग जो है पा लेते हैं। बाकी जो ट्रेडिशनल लोग है ऑलरेडी कलीसिया चलाते रहते हैं वो लोग इसको विरोध करते हैं हमेशा। हम बाइबल में जो देखते हैं फरीसी और सदूसी ये लोग अभी भी है, अभी भी है, हमारा समय में भी है, खाली इसराइल देश में ऐसा नहीं है, हमारा टाइम में भी, हमारे आजू बाजू में इसी प्रकार लोग है। जब न्यू जनरेशन को ओल्ड जनरेशन हमेशा वो विरोध करेंगे, कोई नया कोई भी टीचिंग आता है, नया कोई भी चीजों को परमेश्वर प्रकट करते हैं, तभी ओल्ड ऑलरेडी जो है वो ट्रैक पे है, वो लाइन पे है, वो लोग विरोध करेंगे। जब यीशु मसीह आने से पहला, यीशु मसीह आने से पहला लोग यहोवा परमेश्वर को वो लोग मानता था, वो लोग आदर देता था, वो लोग बहुत रेस्पेक्ट देता था, बहुत वो लोग प्रार्थना भी करता था, बहुत कुछ वो लोग करते रहा उसके लिए, बहुत डेडिकेटेड भी लोग था। ऐसा हम ऐसा सुना है, ऐसा कोई लोग बोला है भाई, उसका स्क्राइब्स जो उस बाइबल को ट्रांसलेट करने के समय में, नहीं तो उसका यहोवा करके वो नाम लिख के फिर तुरंत जो है वो पेन को रखेंगे, जाके स्नान करके आके फिर पवित्र होके फिर आके लिखेंगे, बोलते हैं। इतना जो है वो लोग कुछ यहोवा के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर ऐसा कुछ था, ऐसा मान, इतना रेस्पेक्ट वो लोग देता था। लेकिन जीसस जब दुनिया में आया, जीसस आके एक न्यू, एक अलग प्रकार का जो है कुछ बातों बात किया है। उसने प्रार्थना करने के लिए अपने चेले को सिखाया, तभी उसने ऐसा बोला था, स्वर्ग में रहने हमारा, आकाश में रहने वाला हमारा पिता, उसको परमेश्वर को पिता करके उसका पहला कोई बुलाया नहीं था। अब्राहम बुलाया था, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर करके बुलाया, हर एक लोग जो है मालिक करके बुलाया, हर हर एक परमेश्वर का, हर एक समय समय में परमेश्वर ने खड़ा किया है, हर एक प्रॉफिट्स भविष्य दोक्ता लोग जो है अलग 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 प्रकार उसको रेवलेशन मिला, उसी प्रकार वो लोग परमेश्वर को देखा है, देखे उसी प्रकार वो लोग काम भी किया है। लेकिन जिस प्रकार हम देखेंगे उसी प्रकार ही हम काम कर सकते हैं। परमेश्वर को एक एक सेवक आके बोलते हैं, परमेश्वर आप जिस जगह पे चाटता नहीं है वहां हम बटोरते हैं, आप जो है एकदम उसको प्रभु को, परमेश्वर को, उसका मालिक को उसने ऐसा देखा है, ये बहुत कठिन व्यक्ति है, फिर उसी के प्रकार ही उसने काम किया है। हम जिस प्रकार हम देखते हैं उसी प्रकार ही हम काम करते हैं। यदि आप कोई फैक्ट्री में हम रहेंगे काम करेंगे, वो आपको उसमें वो कंपनी आपको अच्छा है, अच्छा लगता है, तो आप अच्छा से जो है काम करेंगे, दिल लगा के काम करेंगे, आपको कोई कचकच कचकच नहीं करेंगे, आपको एकदम दिल लगा के काम करेंगे, बहुत सारा जो है प्रोटेक्शन, बहुत सारा चीज जो है बहुत अच्छा होगा। हम स्कूल में भी हम देखा है, जिस टीचर्स को स्टूडेंट्स को पसंद आते हैं उसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा से पढ़ते हैं, वो लग जाते हैं, उसका टीचर पसंद है इसलिए वो उसका चीज जो है उसका देखने का व्यू सब पसंद हो गया, अलग हो गया, अच्छा सब्जेक्ट जो है वो सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, प्रयास करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, जो चीज उसमें मन नहीं लगता है वो चीज में हम बराबर हम कर नहीं पाएंगे। हम जिस प्रकार परमेश्वर को देखते हैं उसी प्रकार ही हम काम करते हैं। परमेश्वर खराब है ऐसा देखेगा तो भी हम उसी प्रकार ही रिएक्ट करते हैं। वो जो एकदम आलसी सेवक था उसने ऐसा देखा है कि क्यों ये तो बहुत खतरनाक व्यक्ति है, इसका पास पैसा वैसा क्यों ऐसा रिस्क लेना है, चलो भाई हम थोड़ा इसको पैसा को जमीन में खोद के रख देंगे, नहीं तो दो टाइल्स जो है हमारा घर का नुकसान हो जाएगा, तो भी कोई बात नहीं, एकदम सेफ रहेगा, उसका अंदर जो है हम खोद के एकदम पूरा सीमेंट विमेंट लगा के रख देंगे, कभी भी आ सकता है, कभी भी ये सब मांग सकता है, ये सब मांगेगा तभी हम दे देंगे। उसका देखने का जो स्टाइल उसी प्रकार था, इसी प्रकार उसने काम किया। बाकी लोगों को दो पांच टैलेंट लिया था, वो लोग अलग प्रकार था, दो लिया था वो भी अलग प्रकार था, वो लोग थोड़ा मालिक के बारे में थोड़ा अलग सोचता, इसलिए उसी प्रकार उसने काम किया है, उसने अपने रिस्क लिया है, इन्वेस्टमेंट किया है, पैसा जो है बिजनेस में डाला है, यदि उसमें नुकसान हो गया वो तो भी प्रभु जो है, मेरा ओपिनियन है, जीसस जो है ज्यादा कुछ नहीं बोला होगा शायद,
बिजनेस किया, मालिक जो है आपका पैसा से मैंने बिजनेस किया, ऐसा नुकसान हो गया, ऐसा भी बोल दिया होता तो है ना प्रभु कुछ नहीं बोलता, लेकिन हम हमारा तरीका जो है वो प्रॉब्लम है। जीसस फर्स्ट ट्रिप जो है दुनिया में आके बोला है वो हमारा स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर हमारा पिता है, वो हमारा फादर है, हमारा पिता जैसा है। परमेश्वर ऐसा चाहते हैं हम उसी प्रकार उसके साथ रहें, उसके साथ हम व्यवहार करें। हम एक ओल्ड टेस्टमेंट एक 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 प्रॉफिट जैसा, एक सर्वेंट ऑफ गॉड जैसा है, उसको है मालिक 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 ऐसा बोल के हम भागते रहें, ये परमेश्वर का इच्छा अभी नहीं है। न्यू टेस्टमेंट में जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह बहुत समय पे पिता के साथ अपने बात करने के समय में वो मेरा पिता है, वो मेरा पिता, परमेश्वर को अपने पिता बनाया, इसलिए लोग परिसी सदूसी लोग उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो गया है, उसको तो मारने के लिए पत्थर भी लिया है लेकिन बच गया है, जीसस एकदम मान बच गया। बहुत बार जो है उसका पीछे पड़ गया, उसका परिचय लोगों को एक ही प्रॉब्लम था जीसस का, जीसस का बहुत सारा इश्यू था, बहुत सारा चीज, लेकिन टीचिंग में यही बहुत उसको इरिटेट करता था। इस जीसस का टीचिंग जो है परमेश्वर को पिता करके बोलता था, यही जो है वो लोग सहन कर नहीं पाता था। लेकिन रियल जो है हम न्यू टेस्टमेंट में आते हैं, हम यौहान के पुस्तक में हम पढ़ते हैं, उसका नाम पे जो कोई भी विश्वास करते हैं वो सब उसका संतान बनने का अधिकार दिया। इट इज इसलिए हम न्यू टेस्टमेंट का हमको मिला हुआ एक प्रिविलेज, एक सौभाग्य है, हम नया नियम का जो है एक बिलीवर है। ओल्ड टेस्टमेंट में कोई भी कितना भी परमेश्वर का दास लोग था, कोई भी परमेश्वर को देखे पिता करके नहीं बुलाया, लेकिन हम बुला सकते हैं, हम वो रिलेशन पे हम आया है। हम जिस दिन यीशु मसीह को स्वीकार किया है, यीशु को हम विश्वास किया है, उसी दिन हम यीशु मसीह का परिवार में अंजनम हो गया है। हमको हर एक अधिकार, वो परिवार का हर एक प्रिविलेज, हर एक सौभाग्य हमारे लिए भी है। हमको परमेश्वर अडॉप्ट कर दिया है, हमको स्वीकार कर लिया, हमको को ले लिया है, परमेश्वर ने ये सब कर लिया है, लेकिन हमारा माइंड ये जो है हमको ये सब विश्वास नहीं करते हैं। हमारा मन बहुत समय में इसी प्रकार रहते हैं, परमेश्वर मेरे से बहुत दूर में है, बहुत समय में हम ऐसा सोचते हैं परमेश्वर मेरे विरोध में है, मेरा ऊपर गुस्सा में है, परमेश्वर का तो उसका बेटा बोलने के लिए मैं लायक नहीं। बहुत समय में हम एक परिसी और टैक्स कलेक्टर चुंगी लेने वाला का जो है हम उसका जैसे है हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपका सम्मुख में आने के लिए मैं लायक नहीं, अपने मुंह को ऊंचा भी नहीं किया है, अपने छाती पे मारते मारते ऐसा प्रार्थना करके हम चला गया। हमको बहुत टाइम पे इसी प्रकार का प्रार्थना अच्छा भी लगता है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में है। हमारे हिंदुस्तान का प्रॉब्लम यह है, हमको छोटा से हमको ऐसा दिखाते हैं परमेश्वर बहुत गुस्सा पे है, परमेश्वर वो तीर लगा के नहीं तो तलवार रख के नहीं तो त्रिशूल रख के खड़ा है, ऐसा इसी प्रकार हमको सिखाते हैं हमारा फ्रेंड्स, वो उसका ओपिनियन सबको बताया। शायद आप क्रिश्चियन परिवार में जन्म हो गया होगा, इसलिए आप बोले होंगे ऐसा सोचा होगा हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको असर तो थोड़ा से पड़ गया है हमारा सोसाइटी के वजह से, हमारा मित्र के वजह से, लेकिन परमेश्वर ऐसा हमको परमेश्वर आज ये बोलना चाहते हैं मुझे ऐसा देखो मैं तुम्हारा पिता है। लेकिन बहुत समय में हमारा प्रॉब्लम दूसरा एक प्रॉब्लम हो जाता है, पिता मीन्स हमारा पिता है, हमारा पिता जैसे हम जो है उसको तुलना करते हैं। कोई कोई लोगों को कुछ अच्छा फादर जो है पिता जो है अच्छा मिल जाते हैं, कोई कोई लोगों को एकदम खतरनाक जो है फादर रहते हैं, बहुत मिलिट्री मैन जैसा जो है रहता है, थोड़ा से भी मिस्टेक हो जाएगा तो वो एक लकड़ी लेके आके वो मारने वाला है, बहुत हमेशा जो है डांटते रहेंगे, हमेशा जो है करेक्शन करते रहेंगे, हमेशा बोलते रहेगा, हमेशा जो है ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं करना ऐसा इंस्ट्रक्शन सूचना देने वाला, इसी प्रकार जो है कोई कोई लोगों को ऐसा पिता हो जाते हैं। इसी के वजह से परमेश्वर को भी हम ऐसा देखते हैं, हमको परमेश्वर के बारे में एक अलग प्रकार का पिक्चर चाहिए, लेकिन हमको हम वही रास्ता से जाएंगे तभी हम ये सब हम करेंगे, क्योंकि हमको ऐसा बैड एकदम हमारा परिवार एकदम अलग प्रकार एकदम हमको बहुत दबाने वाला बहुत हमको प्यार नहीं देते हैं इसी प्रकार के एक परिवार से हम आएंगे तो हमारा स्वभाव में भी वो असर
पड़ता है, स्वभाव में भी बदलाव आते। हम जल्दी से जल्दी परमेश्वर को जैसा बाइबल में बोला है, जैसा रियल में परमेश्वर है, उसी प्रकार हम एक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड इसी प्रकार है। कोई लोगों को हम देखते हैं, कोई लोग लाइफ में बहुत सारा उसको दुरुपयोग किया होगा, नहीं तो बहुत चोट पहुंचा होगा, धोखा खाया होगा। वो लोग एक बार ऐसा एक्सीडेंट उसका लाइफ में होने के बाद फिर वो जल्दी दूसरा लोगों को भी विश्वास नहीं करते हैं। पहला उसने भरोसा किया, अपने दिल खोल के सारे बात किया, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ मिस्टेक्स हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, बहुत चोट पहुंचा दिया, बहुत मिसयूज कर दिया। फिर वो जल्दी से जल्दी जो है वो खोलता नहीं, जल्दी से वो रिकवर नहीं होते, जल्दी खोलता नहीं, उसका टाइम लगता है। फिर वो अच्छा लोगों को मिले, धीरे धीरे वो उसको विश्वास करें, उसके लिए वो विश्वास योग्य काम करें, वो फेथफुल रहें, फिर उसके बाद ही उसका हृदय लोगों को भरोसा करना करने के लिए जो है वो थोड़ा बदलता है। हम यहाँ हमारा क्रिश्चियन लाइफ में, चलो वो मैटर ऐसा जाने दो, हम बाइबल के हिसाब से हम आएंगे। हम जिस दिन प्रभु को स्वीकार किया उस दिन हम प्रभु का बच्चा बन गया है। हम प्रभु का बच्चा है तो हम उसका जैसा हमको व्यवहार करना है। जीसस का बारे में हमेशा जो दो बार जो है टेस्टिमनी ऐसा स्वर्ग से एक आवाज आया, जब वो बैप्टिज्म लिया तभी भी ऐसा एक आवाज आया, ही इज माई बिलवर्ड सन, ये मेरा प्रिय पुत्र है। तभी भी पिता परमेश्वर ने बोला इज माई बिलवर्ड सन, ये मेरा प्रिय पुत्र है। जब ट्रांसफॉर्मेशन जो रूपांतर हो रहा था वो पहाड़ में, वो पहाड़ में भी ताबोर पहाड़ में भी इसी प्रकार आवाज आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है। परमेश्वर इसी प्रकार हमसे संबंध करना चाहते हैं, फादर वो ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, ऐसा परमेश्वर हमको बोलना चाहते हैं। ऐसा एक रिलेशनशिप में हम रहने के लिए परमेश्वर चाहते हैं, लेकिन क्या करें, बैड लक है। हम में से बहुत सारा लोग जो है हम विश्वास तो करते हैं, विश्वास में तो आ जाते हैं, लेकिन जैसा परमेश्वर चाहते हैं उसी प्रकार हमसे हो नहीं पाता है। हम वो लेवल पे हम नहीं आते हैं, वो लेवल हमसे हो नहीं पाता है, लेकिन परमेश्वर गॉड इज वेटिंग फॉर यू, परमेश्वर आपके लिए इंतजार करते रहता है। हमसे नहीं होता तो भी हम उसमें बहुत कम पड़ गया तो भी अभी हम प्रयास करेंगे, हम प्रभु के लिए हम समय देंगे। हम एक चीज आपको बारे में आपको आपके सामने रख के मैं फिनिश करना चाहता हूँ। बाइबल में से ऐसा लिखा है, जो गुलामी है वो घर पे ऐसा बने नहीं रहेगा, वो पूरा काम 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 ऐसा काम करते रहेगा। ऐसा ऐसा सोचिए, देखिए यदि कोई घर पे एक एक सर्वेंट है, एक माले एक नौकर है, उसको तो काम देते रहेंगे। अभी अब्राहम का सर्वेंट है कौन, एलियासर है, एलियासर को उसने काम सौंपा है, तो जाओ घोड़े लाए कम से ऊंट सब लेके जाओ, सब थोड़ा पैसा भी सोना भी सब लेके जाओ, वो देश में जाना, वो वहां से जो है ये काम जो है तुम करके आ जाना, ऐसा करके उसको बोला है। फिर वो चलो भाई वो काके वो पूरा करके आने के बाद, चलो भाई तू ये काम कर लिया है इसलिए तू मेरा बेड में बैठ के सो जाओ, ऐसा नहीं बोलेंगे। फिर उसके बाद दूसरा काम देंगे, दूसरा काम देंगे। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, हम परमेश्वर हमारा वो मालिक भी है। हर एक बिलीवर एक चीजों को हम एक चीजों को जानना है, गॉड परमेश्वर आपका पिता है, लेकिन गॉड सर्वेंट है। एक बिलीवर के साथ परमेश्वर जो डीलिंग करते हैं वो अलग प्रकार करते हैं परमेश्वर, लेकिन सर्वेंट ऑफ गॉड है जो परमेश्वर का सेवक है, उसके साथ परमेश्वर अलग प्रकार डीलिंग करते हैं, उसका अलग प्रकार से परमेश्वर बोलते हैं, इसका अलग प्रकार से करते हैं। आपसे एक बिलीवर है, एक चाइल्ड ऑफ गॉड, एक परमेश्वर का संतान है, आपको प्रभु के साथ आप बैठ जाइए, आपको ज्यादा कुछ तोड़फोड़ मत करना है, आप प्रभु के साथ ज्यादा बैठ जाइए, आपको प्रमोट होगा, आप उसके साथ रहिए, आप उसके साथ आप बड़ा हो जाइए, आप सीखिए, आप सीखने के बाद एक उम्र के बाद आपको काम सौंपा जाएगा, आपका हाथ में एक काम आपको परमेश्वर आपको देंगे, तभी आपका पोजीशन अलग होगा, तभी आप काम वो काम जो है कर सकते हैं। आप काम वाला मेंटालिटी पे आप मत बने रहना, आप प्रभु के साथ बैठने के लिए आप प्रयास कीजिए। मार्ता और मरियम का बारे में भी मैं बोलना चाहता हूँ। मार्ता
मार्था ने बहुत चीजों के बारे में चिंता किया, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन शायद जो है उस दिन जीसस उसका घर पे आया था, मेहमान बन के आया था, उसका चेला लोग भी आया था, बहुत काना 12 लोगों 12 14 और भी कुछ लाग जीसस 13 है और भी कुछ लेडीज आई कि नहीं, एक जरूर 15 को पकड़ लेंगे, 15 लोगों को खाना पकाना है, दाल चावल सब्जी फिश करी वो ये वो सब बनाना है, इट इज नॉट इजी, वो बहुत ही आसान नहीं है, वो टेंशन में थी, वो बराबर है हमारे हिसाब से, वो टेंशन में थी, वो बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, लेकिन परमेश्वर हमसे चाहते है तो सिंपल जियो, सिंपल लाइफ में तुम आ जाना है, तुम परमेश्वर शायद ये मेरा ओपिनियन है, उस दिन तुम जो है एक रसम और आमलेट बना के, दाल बना के, चावल बना के ऐसा देख के ज्यादा समय उसके साथ आप बैठ सकते तो भी बेस्ट गुड, बहुत अच्छा है परमेश्वर के लिए, प्रभु यस करके बोलेंगे, हाँ करके बोलेंगे, कभी कभी जो है प्रभु तो हमको वो खिलाता भी है, जीसस जब वहाँ आपको लोग जो है सब बैचलेट हो गया, जब मच्छी पकड़ने के लिए गया तभी तो जीसस ने को वो लोग तो मच्छी लाया नहीं, को जीसस ने मच्छी फ्राई करके सबको जो है खिलाया, परमेश्वर जो है प्रभु को हमारा मेंटालिटी, प्रभु को हमारा इमोशन मालूम है, हमारा मेंटालिटी मालूम है, हमारा साइकोलॉजी मालूम है, हमको परमेश्वर कुछ समय में हमको देता है, बहुत आप लोग में से कुछ लोगों को परमेश्वर ये बोलते हैं तू रिलैक्स करना है, तुम थोड़ा बैठो, तुम मेरे साथ बैठना है, तुम जो है तुम उधर 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 भागने का थोड़ा बंद करो, अभी तो बहुत कुछ कर लिया है, अभी थोड़ा उधर उधर भागना है वो सब थोड़ा बंद करो, तुम रिलैक्स करना है, थोड़ा समय तो मेरे साथ बैठना है, इसलिए ऐसे ही परमेश्वर आपसे बोलते हैं। एक बहन थी, अच्छा सर्वेंट ऑफ गॉड, अच्छा सेवक है, अभी उसने कुछ भी काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी काम नहीं मीन्स वो कोई मिनिस्ट्री पे वो प्रीचिंग के लिए कोई नहीं बुलाते हैं, अभी थोड़ा एक महीना जो है चला गया, लेकिन उसका घर को पूरा परमेश्वर एकदम फर्स्ट क्लास चलाते हैं, कोई मिराकल जो है मिराकल चमत्कार यदि से कोई प्रोविजन सब आ जाते हैं, सब कुछ अच्छा चलता था, लेकिन वो कोई मिनिस्ट्री नहीं था, वो बहन का ऐसा प्रार्थना की प्रभु मुझे कोई भी बुलाता नहीं है, अभी सेवा वेवा के लिए कोई तो बुलाता नहीं है, मैं भी कुछ करती नहीं हूँ, मैं घर के अंदर ही रहती हूँ, मैं खाली प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मुझे कुछ काम करना है, सेवा करना है, वो करना है, कुछ तो करना है, काम करना है, ऐसा बोली, तभी जीसस ने ऐसा पूछा था तुम क्या ऐसा इतना काम करना है, तुमको ऐसा गवर्नमेंट में 100 दिन के लिए जो नौकरी देते हैं उसमें तुम जाना है, ऐसा करके पूछा, बोलता था हमको कुछ भी नहीं करना है, तुमको जो चाहिए ओ मैं सब देता हूँ, तुमको अभी आराम चाहिए इसलिए मैं आराम देता हूँ, मुझे तुम चाहिए, तुम ज्यादा उधर 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 करना जो है मुझे पसंद नहीं है, कोई कोई लोग ऐसा रहते हैं वो ऐसा भागते रहते हैं, अपने शरीर को निचोड़ के अपने शरीर को नुकसान पहुंचा के उधर उधर भागते रहते हैं, परमेश्वर उसमें पसंद नहीं है, परमेश्वर आपका आपको चाहते हैं, परमेश्वर आपका हेल्थ को चाहते हैं, परमेश्वर आपका फाइनेंस को चाहते हैं, परमेश्वर आपका परिवार को चाहते हैं, परमेश्वर तो टोटली आपको चाहते हैं, हम ऐसा सोचते हैं, वो भी हमारा देश का ये प्रॉब्लम है, प्रभु को खुश करना है हम अपने आप को सैक्रिफाइस करना है, नहीं तो हमको पानी जैसा निचोड़ना है, हमको जूस हमारा शरीर को कष्ट देना है, कष्ट देगा तो प्रभु खुश हो जाएंगे, ये हमारा देश का जो है मेंटालिटी है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते, परमेश्वर जो है हम हैप्पी रहें, हम खुश रहें, प्रभु थोड़ा काम करके ज्यादा पैसा देने वाला सिर्फ जीसस, देखो अभी बाइबल का प्रूफ है, जब कुछ लोग जो है 9 बजे काम करने के लिए गया, कुछ 11 बजे काम करने के लिए, कुछ लोग जो है 3 बजे गया, कुछ लोग 4:30 बजे गया, 5 बजे पैसा लेके आ गया और ज्यादा पैसा उसको दिया है प्रभु ने जो है, ऐसा ऐसा एक महान परमेश्वर के पास हम बैठा है, हम एक सेवक के बारे में हम टेस्टिमनी सुना था, उसका 3 दिन का कुछ प्रीचिंग था, फर्स्ट डे मीटिंग हुआ, सेकंड डे मीटिंग हुआ, थर्ड डे मीटिंग, वो तो पूरा प्रीचिंग करेंगे, प्रीचिंग करके आके लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, फिर वो प्राय सुबह भी कोई भी मीटिंग रहेगा, शाम को भी मीटिंग है, सुबह मीटिंग, तीसरा दिन जो है वो बहुत सो गया बोलते हैं, बहुत शाम का टाइम आया, बहुत थका हुआ था, सो गया, सो गया तो फिर वो उसको प्रीचिंग करने का समय आया,
वो ऐसा जाके उठा, अरे तो उस टाइम हो गया अभी क्या करें घर के, अभी तो वो बहुत गिल्टी फीलिंग करता था, बहुत जो है महसूस करता था मैं तो आज कुछ प्रार्थना ही नहीं किया है, मैं ऐसा ही सो गया करके वो गिल्टी फीलिंग करता था। फिर वो समय हो गया है, वहां गया प्रीचिंग करने के लिए गया, उस दिन तो जो है बहुत भयंकर जो है बहुत अच्छा मराठी बहुत सारा चमत्कार होने लगा, बहुत कुछ अच्छा था, मीटिंग बहुत अच्छा था, उसको तो कुछ समझ में नहीं आता था। मैं प्रार्थना करता था, मैं प्रार्थना करके जाता था, तभी उसी दिन से आज बहुत सारे जो है वो है। फिर घर पे आके मीटिंग खत्म कर दिया, मीट सब होने के बाद रूम पे आके रोया, प्रभु ये क्या हुआ है, कैसा हुआ है, मैं कुछ भी प्रार्थना नहीं किया, क्यों इतना सारे काम कैसा हुआ, चमत्कार कैसा हुआ, ब्लॉग कैसा डिलीवरेंस हो गया। बोला तुमको जो नींद मैंने दिया, प्रभु ने उसके साथ बात किया, नींद तुमको मैंने दिया, तुम बहुत थका हुआ है, तुम बहुत थक चुका था, तुमने दो दिन से मैं तुमको देखता हूँ बहुत थक चुका है, इसलिए मैं तुमको नींद लाया, तुम्हारा प्रार्थना नहीं है, मैं ही तुमको जो है चमत्कार, मैं सारे लोगों को डिलीवरेंट करने वाला, लोगों को जीवन को परिवर्तन करने वाला मैं हूँ, तुम जो करते हैं तुम्हारा प्रार्थना की वजह से मैं तुमको ये नहीं करता हूँ, मैं हूँ, मैं ये सारे चीजों करते हैं मैं, लेकिन मैं तुमको उपयोग करता हूँ, तुम्हारा पास टाइम नहीं था इसलिए जो है मैंने ऐसा तुमको नींद लाया। गॉड परमेश्वर आपको प्यार करते हैं, परमेश्वर आपको सारे बातों को ध्यान लगाना चाहते हैं, परमेश्वर को आप आपके कोई भी चीजों से अलग नहीं कर सकते, स्पिरिचुअल मैटर में आप मेरा परमेश्वर है, मेरा परिवार में आप नहीं है, मेरा काम पे मेरा वर्किंग प्लेस में आप मेरा परमेश्वर नहीं, ऐसा आप अलग नहीं कर सकते, आपका हर एक क्षेत्र में वही परमेश्वर है, फैमिली में वही परमेश्वर है, वर्किंग प्लेस में काम का जगह पे वही परमेश्वर है, आपका स्पिरिचुअल लाइफ में हर एक बातों में वो परमेश्वर है। परमेश्वर आपसे ही चाहते हैं तू मेरे साथ बैठ जाना है। आप लोग में से कुछ लोगों को परमेश्वर ये बोलते हैं तू उधर ना भाग दौड़ करना है, थोड़ा बंद करो, तू मेरे साथ बैठ जाना है, मैं तुमको सिखाएगा, तुम नेक्स्ट लेवल पे तुम जाना है, मैं तुमको बोलेगा, तब तक वेट करना है। हर बार आप प्रभु के साथ मुलाकात होते हैं, प्रभु का एक रेवलेशन आपको मिलता है, एक परमेश्वर का एक टच आप अनुभव करते हैं, तभी आपका मिनिस्ट्री चेंज हो जाते हैं, आपका लाइफ चेंज हो जाते हैं, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाते हैं, आपका बाइबल पढ़ने का तरीका जो है चेंज हो जाते हैं, आपका प्रेयर चेंज हो जाते हैं। इसलिए प्रभु का टच के लिए, प्रभु आपको चुने के लिए समय दीजिए। अभी एक ही मेरा बोलना एक ही चीज है, प्लीज गिव टाइम टू गॉड, कृपा करके प्रभु परमेश्वर को आप समय दीजिए, अब समय नहीं है ऐसा आप उधर उधर मत भागना है, आपको आपका समय को जो कुछ भी चोरी करते हैं उसको थोड़ा सा अभी बंद कर दो, वो सब सैक्रिफाइस कर लो, थोड़ा काम को जो है थोड़ा पोस्टपोन कर लो, कोई भी दुनिया में अब ऐसा सोच के जस्ट वन मिनट हम फिनिश कर लेते हैं। मोसेस जो है इतना बड़ा पास्टर है, वो उसका चर्च में एकदम ऐसा लोग बोलते हैं 30 लाख जो है लोग था जब इजिप्ट में से लोग जब निकला था तभी, चलो भाई अभी 30 लाख लोग का एक पास्टर, एक सीनियर पास्टर, और उसका कोई अच्छा असिस्टेंट पास्टर भी नहीं है, वो छोड़ के जाएगा तो बराबर चला पाएंगे, लेकिन इतना बड़ा चीफ पास्टर है, एकदम बड़ा पास्टर है, असिस्टेंट पास्टर बराबर नहीं है, फिर भी उसने 40 दिन सेपरेट कर दिया है अपने कलीसिया को छोड़ के, एकदम उसका असिस्टेंट पास्टर इतना क्वालिफाइड नहीं है, इतना अच्छा व्यक्ति नहीं है, फिर भी उसका हाथ में सौंप के वो पहाड़ में गया है, जाके प्रभु के साथ बैठा है, उसका सक्सेस मैं ये चाहता हूँ, मैं ऐसा महसूस करता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, उसका सक्सेस से मोसेस पास्टर मोसेस का सक्सेस ये है, वो प्रभु के साथ बैठने के लिए वो कुछ भी सैक्रिफाइस करते हैं। थैंक यू, आप भी ऐसा कीजिए, प्रभु आपका आशीर्वाद करेंगे। चलो हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, निहालस में श्यो मेला हराश्यो हम्बल थी कलाश्यो ब्राकलाश्यो। पत्रस पूरा रात मेहनत किया लेकिन कुछ पकड़ नहीं पाया, पूरा रात जाल डाला लेकिन कुछ पकड़ नहीं पाया, जब वो प्रभु के पास आया बैठा, प्रभु का आवाज सुना है, प्रभु जैसा बोला वैसा किया है, तभी वो बहुत मछली पकड़ा, उसका लाइफ में उसका पहला
इतना मछली कभी नहीं पकड़ा होगा, उसका पूरा इतिहास में ऐसा नहीं पकड़ा होगा, शायद इसराइल का हिस्ट्री में जैसा पीटर पतरस ने जो मछली पकड़ा उसी प्रकार कोई नहीं पकड़ा होगा। अभी हम भी हम प्रभु का आवाज सुनेंगे, प्रभु जैसा बोलेंगे, दैने जाने के लिए बोलेगा, दैने बाजी में तुम जाल डालने के लिए बोलेगा, तभी दैने बाजी में हम जाल डालेंगे। गहराई में हमारा बोट में ले जाने के लिए परमेश्वर बोलता है, हम गहराई में हम ले जाएंगे। थैंक यू प्रभु परमेश्वर, आप सबको आशीर्वाद करें, यीशु का नाम से मांगते हैं पिता, आमेन।